चलो टू एन फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, टू एन माइनस थ्री, एन फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, एन माइनस थ्री इक्वल्स टू 11/1. क्लियर? टू एन फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल, टू एन माइनस थ्री मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और एन फैक्टोरियल लिख दिया. क्लियर? इक्वल्स टू 11/1. नेक्स्ट 2n, 2n माइनस थ्री, 2n, 2n माइनस वन, 2n माइनस टू, 2n माइनस थ्री. इसी के रूप जो क्योंकि डिनोमिनेटर के बीच में बोल 2n माइनस थ्री पे है वो कैंसिल हो गया. क्लियर? पहले पास है 3 फैक्टोरियल डायरेक्टली कैंसिल हो गया. क्लियर? इधर की आ जाएगा अपने को मल्टीप्लाई n माइनस थ्री, n, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री इक्वल्स टू 11/1. और इधर n माइनस थ्री का क्लियर की बच गया अपने को. इधर मतलब जो रिमेनिंग बच गया उन्हें लिख लो ताकि मिस्टेक ना हो जाए. ठीक है? नेक्स्ट फिर अपन देखते हैं 2n, 2n माइनस वन, इधर 2 कॉमन, n माइनस वन रिमेंडर डिनोमिनेटर n, n माइनस वन, n माइनस टू इक्वल्स टू 11/1. क्लियर? नेक्स्ट इज कैंसल n विद n, n माइनस वन विद n माइनस वन मल्टीप्लाई 4, 2n minus 1, denominator n minus 1 equals to 11/1. Now cross multiply, find the value of n. Clear?